सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर नेक्स्ट शो। मिलेगी आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है भाई। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वो रियलिटी शो टू जो इंडिया में हुआ था अमिताभ बच्चन वाली वीडियो के ऊपर। तो उसमें से हमारे ये इंडियन यूट्यूबर है जिसका नाम है सचिन यूनिक, इनके चैनल का नाम है, वे भी काफी अच्छी वीडियोज बनाते। तो हम इनकी वीडियो पर रिएक्शन देते कि ये अपनी क्या राय देते हैं उस वीडियो के बारे में। आज हम रिएक्शन देने वाले सचिन यूनिक की एक वीडियो पे। तो आइए क्या कहते हैं इस रियलिटी शो के ऊपर जिसमें अमिताभ बच्चन ने जो भी बातें की। सचिन यूनिक इंडियन यूट्यूबर क्या कहता है इसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। वैसे हमने तो रिएक्शन दे दिया, नेपाली बाबू ने रिप्लाई भी दिया तो उसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया, बट आज हम इस पे रिएक्शन देते कि ये क्या बोलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हो, साथ में मेरा ब्लॉग चैनल भी है तो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के एक रियलिटी शो में कालापानी लिपू लेक जो विवाद है भारत और नेपाल के बीच में उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए थे और इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि कोई एक रियलिटी शो में और इस प्रकार के कालापानी और लिपू लेक विवाद जो भारत और नेपाल के बीच में पहले से ही है और जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड तरीके से सामने आ रहा था और काफ़ी हद तक सरकारें एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप लगाए रही थी, परंतु आप देख ही रहे होंगे दोस्तों जैसे ही ये मुद्दा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है या कोई बातें गवर्नमेंट के बीच में नहीं हो रही हैं तो यहाँ पे एक जो रियलिटी शो है जिसका नाम है KBC कौन बनेगा करोड़पति, इनके होस्ट हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। तो इनके माध्यम से एक सवाल पूछा गया जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि यह जो क्षेत्र है कालापानी लिपू लेक लिम्पियाधुरा यह भारतीय क्षेत्र है और इसके ऊपर किसने क्लेम किया था और किसने किस देश ने इसका नक्शा पारित करके अपने संसद में पारित करा था और अपने पॉलिटिकल मैप में इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये सवाल एक कैंडिडेट से पूछा गया था और कैंडिडेट ने देखा जाए तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को मैं अपने वीडियो पे इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको अपने वीडियोस में नहीं रखा है। तो होता यह है दोस्तों जब ये सवाल मिस्टर अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं अपने शो में तो कैंडिडेट उस सवाल का जवाब पता होने के बाद भी नहीं देता है। हो सकता है कि उसकी मानसिकता क्या रही हो कि एक विवादित चीज़ है इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है वो उसकी बुद्धिमत्ता अलग होगी और मुझे भी सही लगा कि नहीं ठीक है इस सवाल का जवाब उसने देना नहीं चाहा, पर उसको पता था और वो फ्लिप ऑप्शन मांगते हैं उनसे कि वो सवाल बदल दिया जाता है और सवाल को बदल करके वो गैस करने के लिए बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी की आप बताइए कि क्या सवाल इसका जवाब क्या सही है, कौन सा सवाल इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वो गैस करती है और नेपाल बोलती है। तो वो बोलते हैं कि आपने अगर ये सवाल का जवाब नेपाल दिया होता तो आप इतने आपको फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहने का अर्थ ये है कि वो कैंडिडेट को पता तो था कि सवाल का जवाब क्या है पर उसने जानबूझ करके उस सवाल को फ्लिप किया। तो सबसे पहले तो उनको हैट्स ऑफ कि उनने इस विवाद पे पढ़ने की कोशिश नहीं की। और अब जानने की कोशिश ये करते हैं दोस्तों कि ये सवाल पूछा क्यों गया ऐसे शो में जिसका शो मैं खुद देखता था कि KBC में ऐसे ऐसे सवाल होते थे और उन सवालों को देख करके मैं काफ़ी जनरल नॉलेज भी मैंने गेन किया था और कुछ किताबें वगैरह भी मैं पढ़ता हूँ। तो इस सवाल को देख करके इस सीज़न में जो ये सवाल लिपू लेक कालापानी लिम्पियाधुरा का जो पूछा गया कैंडिडेट को मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के द्वारा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा दोस्तों। ये खुद ही अपने आप में एक पॉलिटिकल डिस्प्यूटेड इशू है जो कि सरकारों को बैठ करके बात करने की ज़रूरत है। इसमें नेपाल सरकार और भारत सरकार दोनों को बैठना रहेगा और वो बात करेंगे, इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। हालांकि ये बैठक हुई नहीं, धीरे धीरे करके कोई डिप्लोमेटिक नोट का आदान प्रदान हो रहा है, कोई नेपाल क्लेम करता है तो इंडिया नाराज़ होता है और इंडिया अगर नाराज़ हो रहा है तो फिर नेपाल भी क्लेम करने से फिर बचता है, फिर वो भी नाराज़ होता है, ऐसी ऐसी कंडीशन देखने को आपको भी मिल रही होगी। तो बात करते हैं दोस्तों ये जो सवाल है ये अल्टीमेटली इस शो में क्यों पूछा गया। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो मानसिकता और जो वातावरण भारत में मीडिया को लेकर के और जो रियलिटी शो में है उनका काम सिर्फ ये है कि जनता के दिमाग के साथ खेलना। वो डायरेक्टली जनता के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं
जब चीजें शांत होती हैं तो उनको उभार करके एक तरीके से लड़ाई का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये शो जो किसी भी वायलेंस को तो सपोर्ट नहीं करता, ये शो अपने आप में एक सरल शो है, परंतु जो शो बनाते हैं, जो शो मेकर्स हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई तिकड़म तो थी कि टीआरपी के लिए कि किस तरीके से इसका टीआरपी रेट बढ़ाया जाए, इस चैनल का, इस शो का, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हो सकता है कि टीआरपी कम हो रही हो, लोग कम देख रहे हों और उनको नेपाली सोसाइटी का और ध्यान प्राप्त करके वो टीआरपी को बढ़ा सकें। तो मेरे को ऐसा समझ में आया दोस्तों कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के आधार पर ये कहा गया। और दोस्तों आप अगर मेरा भी जानना चाहते हैं कि काला पानी, लिप्पू लेक, लिम्पिया द्वारा किस क्षेत्र में आता है, कौन से देश में आता है, तो इस रिलेटेड मैं पहले वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा का पूरा फैक्ट आपके सामने रख दिया है। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी जगह का या किसी भी स्थान का नाम अगर जानना चाहें तो सबसे पहले जब कभी भी किसी स्थान का नाम रखा जाता है तो वो उसी के भाषा के अनुरूप रखा जाता है। आप कहीं भी देखिए, इंडिया के भी कोई भी जगह हो तो वो भी कहीं ना कहीं या तो कोई रियासत रही होगी या कोई राजा महाराजा रहे होंगे या कोई उस क्षेत्र से कोई रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे जिसके आधार पर उस क्षेत्र का नाम रखा जाता है। और अगर हम लिप्पू लेक की बात करें तो दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि नेपाल में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन्हें लेक भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि लिप्पू लेक, लिप्पू और लेक, तो जो लेक शब्द है वो नेपाली शब्द है, ना कि हिंदी शब्द है। तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो नेपाल से भी हुआ है। और फैक्ट के आधार पर मैं बताऊं तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो पहले बना चुका है और आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा और आपको और समझ में आ जाएगा कि ये क्षेत्र किसका है। और मैं सही तरीके से बताऊं तो जिस फैक्ट के आधार पर बोलूं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है लिप्पू लेक, काला पानी, लिम्पिया द्वारा, ये प्रोमिनेंटली नेपाल का ही है, परंतु अच्छी लीडरशिप ना होने के कारण, नेपाल में अच्छी लीडरशिप ना होने के कारण वो सरकार से, भारत सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसमें स्ट्रेटेजी है, क्या इसमें लूप होल्स हैं, ये तो कहना मुश्किल है दोस्तों। हो सकता है कि ये बात होने न हो नहीं पा रही है, कि होने नहीं देना चाह रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। अगर गलत भारतीय पक्ष है तो वो इस विषय को टालना चाह रहा है, और अगर नेपाली पक्ष इस बारे में नहीं सोचता है, गलत है, तो वो भी एक प्रकार से वो भी वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। तो बात यह है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है इस लिप्पू लेक, लिम्पिया द्वारा और काला पानी किसके अंतर्गत आता है। तो मैं तो शत प्रतिशत यही कहूँगा दोस्तों कि ये नेपाल का ही क्षेत्र है और नेपाल को अपनी तगड़ी लीडरशिप बनाने की ज़रूरत है, जिससे वो भारत सरकार से ऑन टेबल बात करें। लड़ाई करने की क्या जरूरत है, लड़ाई तो करना ही नहीं है ना, लड़ाई करने से तो नुकसान अपना ही होगा, भारत का भी होगा और नेपाल का भी होगा। और जो राजकीय लेवल पे देखा जाए तो शासक वर्ग तो लड़ेंगे ही और सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता को होगा। जो जनता बेचारे, ऐसे लोग होंगे जो नेपाल में काम करते हैं, उनके भारत में घर हैं बेचारे, वो जाके कमाते हैं फिर भारत आते हैं, कुछ ऐसे होंगे नेपाली जो नेपाल छोड़ करके भारत जाते हैं काम करने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए नेपाल आते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन हमेशा टेबल के माध्यम से ही उठाना ठीक रहेगा। और नेपाल सरकार इस मुद्दे का उपयोग करके सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति ना करे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे पास लीडरशिप है और हम बात कर सकते हैं, तो वो जा कर के भारतीय प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ें सॉल्व हो। और इस चीज़ का गलत तरीके से फ़ायदा जो उठा रही है वो मीडिया, इंडियन मीडिया, वो तो उठा ही रही है क्योंकि वो लोग खुद ही अपने खबर सही तरीके से बताते नहीं है। और आप देखिए कि जहाँ पे, जिस देश में, भारत में आज भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी जब वहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसे ये महामारी के समय जिस प्रकार की प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, नौकरियाँ लोगों की जा रही हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उन सबको सिर्फ टीआरपी चाहिए। तो आप देखिए जो ये रियलिटी शोज हैं वो एक प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और लोग भ्रमित हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ पे भ्रमित कर दिया जाएगा तो वो एक्चुअल सवाल सरकार से नहीं उठाएंगे कि लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हर जगह से लोग परेशान हैं, हर इलाके में, हर एरिया में, हर सेक्टर में लोग परेशान हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, सर्विस क्लास हो, तो सभी परेशान हैं।
ऐसे समय में, ऐसे महामारी के समय में। तो मेरा ये मानना है कि ये जो टीआरपी वाले जो इस तरीके के जो टीआरपी के जो गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करके और लोगों के दिमाग में जो खेलने की जो काम करते हैं ना, कि लोगों का दिमाग से खेला जाए और उनके दिमाग में गलत तरीके से गलत बात फिट कर दिया जाए, तो उनसे बचना जरूरी है दोस्तों। और अगर आपको ये एपिसोड गलत लगा हो तो मैं तो ये तक कहूँगा कि आप जो है ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्टली अप्लाई भी लिख भी सकते हैं और उनको आपत्ति भी जता सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हर एक सिटीजन का अधिकार है। और मेरा के मानना ये है दोस्तों कि नेपाल की जनता के साथ साथ भारत की जनता भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचे। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल चले कि जो लीडरशिप ने और गलत भाव बता दिए, गलत चीज़ें बता दी और हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं। सवाल करना हमारा अधिकार है, हम सवाल कर सकते हैं चाहे वो किसी की भी सरकार हो। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथन पार्ट है, जिसमें मजबूती आती है, वो है जनता का अधिकार, जनता का बोलने का अधिकार। अगर गलत हमारे साथ हो रहा हो, हमारे लोगों के साथ हो रहा हो, तब भी हम बोलेंगे, और हमारे पड़ोसी के साथ हो रहा हो तब भी हम बोलेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार के जो रियलिटी शो हैं इन पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए। ये सब आपके दिमाग में एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके गलत बातों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको इससे संबंधित वो वीडियो देखना है जिसमें मैंने साफ तौर पे बताया है कि फैक्ट क्या है लिपुलेख काला पानी लिंपिया दूरा, तो वो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आई बटन पे डाल दिया है वीडियो, आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वही मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो जो मैंने बताया है वो वीडियो को मैं अपने वीडियो में डाल नहीं सकता, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वही है ना, बड़े लोग तो बड़े लोग, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो किसी को भी गलत तरीके से उखाड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम नॉर्मल इंसान की तरह ही रहेंगे। और अगर आपको वीडियो देखना है जिसमें ये सवाल पूछा गया है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक रख दूंगा, तो आप उसको भी जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसके अलावा मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। देखो इस मुद्दे पे अगर इंडियन बंदा ये कह सकता है, कह रहा है कि यार ये जो टीवी शो था वो गलत था, ये इनको नहीं पूछने चाहिए थे, ये सवाल गलत थे, तो बिल्कुल यार देखो लोग क्या चाहते हैं, लोग अमन चाहते, लोग शांति चाहते, लोग मिल बैठ के रहना चाहते। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि यार ये इशू थोड़ा सा सोल्व तो नहीं, यार थोड़ा डाउन हो रहा था, गाला पानी लेपू लेक का इशू थोड़ा सा हल्के में ले रहे थे लोग, मतलब हल्का हो रहा था कि यार कोई बात नहीं कर रहा था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कोई वीडियोज़ वगैरह भी नहीं आ रही थी। बट क्या हुआ, अचानक से एक वीडियो आई जिसमें अमिताभ बच्चन सर ने सारा तहलका मचा दिया। अच्छा अब नेपाल के लोग भी काफ़ी गुस्सा है और इंडिया के लोगों को भी पता है कि यार नेपाल के लोग क्यों गुस्सा है, क्योंकि कितना इशू, बड़ा इशू मतलब समझ के सामने आएगा। अच्छा इसको छोड़ दे, अगर हम बात करें इंडियन लोगों की, तो इंडियन लोग भी मतलब इंडियन लोगों में से भी एक यूट्यूबर है जो इंडिया से, ये भी यही कह रहा है कि यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था, ये जो जगह है वो नेपाल की ही है, वो साफ साफ खुला ये कह रहा है। मतलब देखो इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी है कि अगर कोई भी जगह अगर आपको उसको देखना है या जांच करना है, उसके फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो उस जगह के नाम को लेके उस लैंग्वेज के साथ मैच करो कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो लेपू लेक के अगर देखे वैसे ही देखा जाए तो वो हिंदी के साथ मैच नहीं हो रहा, नेपाली के साथ मैच हो रहा है। तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये तो अच्छी बात है। कश्मीर को भी देखा जाए तो कश्मीर भी उर्दू के साथ मैच किया जा रहा है, अच्छा नाम है कश्मीर भी। बातें की इस भाई ने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि नेपाल को और इंडिया की सरकार को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। ये जगह तो वैसे नेपाल की है और नेपाल की सरकार को बैठ कर बात करनी चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। लड़ाई से कुछ भी नहीं होगा, दोनों मुल्कों के आपस के लोगों को जो है ना नफरतें फैलेंगी और नुकसान दोनों कंट्रियों का होगा, नेपाल का होने वाला है। तो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी कि यार मिल बैठ के बात करें और इस इशू को सॉल्व करें, ना कि लड़ाई करें, लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में, और इन्होंने काफ़ी सारी बात की, तो मैंने इस वीडियो के ऊपर ऑलरेडी रिएक्शन दिया है जो जिसपे KBC या ABC जो भी मीन्स शो है कौन बनेगा करोड़पति, तो इस शो के ऊपर ऑलरेडी मैंने रिएक्शन दे दिया है नेपाली बाबू के वाली वीडियो के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया भी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप अपनी राय बता सकते हैं कि यार क्या कहना चाहिए था या क्या होना चाहिए था इस वीडियो में।
तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बढ़ावा मिल सके। आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।